देखो इधर लड्डू देखो। ओए बाबू, बहुत यही वाले मंदिर लेते आइए। बदमाशी है ना। जय यही हिंद वाले दोस्तों, मैं मंदिर नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। और इसका सुनने में कैसे हैं क्या आप सब? सुनने में पिए आई थिंक क्या आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी कृपा से मैं और मेरा बच्चा सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी पूरी फैमिली अच्छी है। और देखा इस मंदिर का। चलिए, कैसा मौसम हो रहा है अभी? तो यहाँ पे रिम झिम सी बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है आजकल, है ना बिट्टू? हो रहा है ना? बता दीजिए तो सबसे। हाँ हो रहा है ना? क्या? हाँ तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और बिल्कुल मैं अभी बैठी हुई हूँ खुले आसमान के नीचे और यहाँ पे जो है हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मतलब कोई ऐसा नहीं है। और वो भी मेरे ऊपर तो ये है, तो मेरे ऊपर जो है ये पेड़ है तो तो मेरे ऊपर आ ही नहीं रहा है, बारिश की बूंदें पड़ ही नहीं रही है। और चलेगा देखना, बाबू जा रहा है तो चलिए, क्योंकि दीदी के यहाँ का ब्लॉग लाना बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ पे ब्लॉग बना हुआ था बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, तो धीरे पहले मैं जो वहाँ के और ब्लॉग बनाई हूँ वो लेकर आऊँगी और फिर धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे जो आप लोगों के पास जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी स्पेशल है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 दिन टाइम लगेगा और 2-3 दिन में आप लोग देख लोगे कि क्या स्पेशल है ब्लॉग में। और आज मैं बड़ी सी बिंदी लगाई हूँ, मुझे छोटी बिंदी मिल ही नहीं रही थी तो मैंने यही वाला लगा लिया, बट अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। वैसे भी सब लगाते रहना चाहिए। और कभी कभी मैं तैयार होती हूँ, जैसे कोई बेटू, जैसे कोई वो फेस्टिवल वगैरह पड़ता है तो मैं वैसे भी बड़ी बिंदी लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लगाती नहीं हूँ। और तो बाबू जो है ना बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, डर लगता है कि बरसात का दिन है। और बेटू, इन्फेक्शन वगैरह का भी मुझे डर लगता है, तो अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ उनको बचा के रखूँ, लेकिन कभी कभी इतना जिद कर देते हैं बाहर आने के लिए तो पापा भी लेकर चले जाते हैं या फिर हम लोग भी लेकर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ का ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि वो ब्लॉग जो है, मैं सोच रही हूँ एक दिन में दो दो लेकर आ जाऊँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जो स्पेशल ब्लॉग है वो देखने को मिल जाए और इंतज़ार ख़त्म हो फिर यहाँ का डेली ब्लॉग। और कुछ लोग बोल रहे थे आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं लेकर आ रही हो, नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश, ऐसा नहीं कोशिश नहीं करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग वेट करते रहते हो। मेरे बहुत ज़्यादा यूट्यूब फैमिली तो नहीं है, लेकिन जो लोग भी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, तो उनका थोड़ा सा ख्याल भी रखना चाहिए कि वो जब अगर मेरा वेट करते हैं तो टाइम से जो है ब्लॉग लेकर जाना भी चाहिए, बट थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आई थिंक आप लोग समझते होंगे कि क्यों लेट हो जाता है, मैं कई बार बताई भी हूँ। तो चलिए फिर, बच्चे को मेरे देखिए क्या करना है। इनको मिल गई है एक बोरी, साइकिल ढका हुआ था, बस उसी को लेकर जो घूम जो रहे करना है हैं। वो करो। ठीक है, खेतों में जो तू है ही नहीं, मम्मी को गाना गाने आया नहीं। मेरा बहुत समझदार बच्चा है ना, है ना? ये क्या है बिट्टू, ये क्या है? क्या है ये? नहीं, फूल नहीं तोड़ते, गंदी बात बेटू। फूल को बेकार में नहीं तोड़ा जाता है, बस भगवान के आगे चढ़ाने के लिए तोड़ा जाता है।
आपको भी अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना आपको भी। हाँ, मम्मा का बाल मिल जाए। तो इधर जो है दीदी बनाने में लगी हुई है चूरे की लिट्टी, और ये लोग खाने में लगे हुए हैं। पकौड़ा भी बोल सकते हैं इसको तो। तो दीदी जो है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, क्योंकि मुझे जो है निकलना है डॉक्टर के पास, बाबू के लिए मेडिसिन लेना है। तो इसीलिए पलक जो है इशारा कर रही है कि कहीं भी जाओ तो बाबू, नहीं मैं भी चलूंगा मौसी, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाना है, मैं जा नहीं रही, ये जाएंगी तो कल आएंगे। तो मैं पलक को छोड़कर आ गई, क्योंकि पलक और वंश दोनों लड़ाई करने लगे। वंश भी बोल रहा था कि मैं भी चलूँगा, तो मैं अगर वंश को लेकर आती तो एक तो बाबू साथ में है तो वंश को कैसे संभालते। वंश रास्ते पर बहुत ज़्यादा घुमासी करते हैं, इसकी वजह से ना दोनों को छोड़कर आना पड़ा। मैं अकेली जा रही हूँ, वहाँ पर भाई को साथ में लूँगी और भाई जो है मुझे लेकर जाएगा दिखाने के लिए बाबू को डॉक्टर के पास। उसके बाद फिर से देखते हैं, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कैसे क्या करते हैं। मामा आ रहा है, मामा बुला बुला बुला, मामा को बुला, बेटू बुला, बोलो कि मैं आ गई हूँ, मैं आ गया हूँ। आप कहाँ पे हो मामू? हम लोग छुप जाएंगे ना, छुप जाएंगे, मामा आएगा तो दिखाएंगे नहीं उसको। इनकी शैतानी जो है ना स्टार्ट है। मैं आ गई हूँ अभी भाई के पास, धूप बहुत ज़्यादा था तो भाई जाएगा सारा काम करवाएगा। हाँ, तब तक हम लोग यहाँ आराम करेंगे रूम पे। क्या हुआ? तो मैं यहाँ फ़ोन को दिखाने लेकर आ गई हूँ, भाई बोला कि ये सर्विस सेंटर है, यहाँ दिखा लो। यहाँ लेकर आई तो वो भैया बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जबकि मेरे फ़ोन में कोई भी वीडियो मैं बनाती हूँ तो धुंधला आता है। फिर जो है मैं यहाँ से निकल गई, क्योंकि ये बेकार का 3600-3800 रुपये सुना रहे थे, बोल रहे थे कि कैमरे में कुछ हुआ ही नहीं, अगर आप चेंज करवाओगे तो 3800 रुपये लगेगा। तो मैं फिर बोली कि रहने दो, 3800 रुपये मुझे नहीं देना है, क्योंकि मेरा फ़ोन वारंटी में था। फिर मैं चली आई ट्रेंड्स में, इनके लिए कुछ लेने का मूड था मेरा, एटलीस्ट मैंने यही टी शर्ट लिया। तो मेरे जो बरीक्षा की शॉपिंग हुई थी वो मैंने खुद से किया हुआ था और ट्रेंड से ही किया हुआ था, यहाँ से नहीं, बट ट्रैवियल से मैंने ही किया था। मैं आ गई हूँ ट्रेंड्स में और उनके लिए जो है पति देव के लिए कुछ लेने के लिए सोच रही हूँ। उनको टी शर्ट जो है ना फुल स्लीव में पसंद है। तो फिलहाल मैंने यहाँ से सिर्फ एक टी शर्ट लिया जनाब के लिए और कुछ भी नहीं, अपने लिए सोच रही थी, बट इतना महंगा मिल रहा था कि मैंने कहा ना बाबा ना, मैं कुछ नहीं लेने वाली हूँ। और शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई थी, शादी के पहले तो बहुत सारी शॉपिंग ज़्यादातर मैं यहीं से करती थी। और ये है, यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, मेडिसिन लेने गया हुआ था भाई, तो यहाँ पर मैं बैठकर मेरे दिमाग में आया कैमरा चेक करती हूँ, तो कवर लगा हुआ था फ़ोन में और मैंने कैमरा चेक किया तो सारा धुंधला धुंधला आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या सोचा, कैसे दिमाग में आया कि कवर उतारो और कैमरा चेक करो। जब मैंने उस कवर उतार के कैमरा चेक किया तो फोटो एकदम अच्छी, तब मेरे समझ में आया कि सारा मसला तो यहाँ पर है, सारी प्रॉब्लम जो है वो कवर में है। तो फिर हमने कवर का जो है वहाँ पे इतना सारा जो जहाँ पे मतलब सारा लेंस वगैरह था सब हटा दिया और अब मेरा फ़ोन जो है एकदम सही हो गया। तो धूप आजकल बहुत तेज हो रही है, तो मैं यहाँ भाई के रूम पे रुक गई थी और उसके बाद जो है छोटा भाई आया हुआ है, तो उसके साथ ही मैं घर चली जाऊँगी।
वो गाड़ी लेकर आया है। हाँ, और भाई को देखिए अपना रूम कितने अच्छे से रखता है। हाँ आपके मामा दे दो रहे हो मामा से। मामा ओ मामा लड्डू के मामा खाना कुछ नहीं था भाई। फिर भाई जो है इधर गाड़ी लेकर आया था और उसके साथ ही मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। भाई सीधे घर जाएगा अपने घर मौसी के यहाँ और मैं दीदी के यहाँ उतर जाऊंगी रास्ते में। तो भाई भी जाएगा वहाँ पे। फाइनली मैं दीदी के रूम पर आ गई हूँ और भाई अरे पलक जो है समोसे लेने गई हुई थी वही मैं देख रही थी आ गई है। हम और वंश दोनों वेट कर रहे थे और यहाँ पे बाबू जो है खेल रहे हैं। मैं उनके साथ ठीक मैं भी खेल रही हूँ। तो अभी क्या है ना कि आज मेरी चाची आई हुई हैं। मेरी बड़ी चाची जो है जो वहाँ छत्तीसगढ़ में रहती हैं वो आई हुई हैं। तो अभी दीदी को नहीं पता है, दीदी अभी स्कूल गई हुई है। तो दीदी आएंगी उसके बाद चाची से मिलेंगी। आप सबको मिलवाते हैं दीदी और चाची दोनों लोगों से। वैसे तो आप लोग दीदी से मिलते ही रहते हो। दीदी स्कूल से आ गई और अभी चाची को देखेंगे। ये मेरी चाची हैं बड़ी वाली, स्वीट स्वीट सी मेरी चाची। और उधर लड्डू सो रहे हैं। तो घरों में बने हैं तब पूरा का बढ़िया वीडियो बना था। हम मोबाइल से कितना बोलत रहे हैं चकाचक चकाचक। ये कौन लेकर आया है? मेरी चाची नाना नानी। ओए लाइट नीचे नीचे बंद चालू करो रखो। लाइट चली गई। इसको भाई ये भाई कहाँ गया? हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल न्यू ब्लॉग बोलने आया हमको। हाँ थोड़ा बताना। लड़की मीठा बहुत खाती है, मिठाई बहुत खाती है। चुपके से पूछ रही है मौसी मैं ले लूँ। मैंने कहा ले ले। तो आज आए हैं मेरे पापा और मेरी बड़ी चाची मीन्स मेरे बाबू के नाना और नानी। तो
बाबू भी हैप्पी है और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। और लेकिन एक चीज़ है, अभी मैं यहाँ से जल्दी जाने वाली हूँ। पापा का ज्ञान स्टार्ट मोबाइल ज़्यादा देखने से बहुत हानिकारक इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो। ये देखो तुम्हारे लिए कपड़ा लाई है नानी। बाबू वो वाला दीदी का, दीदी के लिए लाई है ये वाला साड़ी, अच्छा लग रहा है। और ये मेरे लिए, मेरा और मेरे बाबू का। लड़की को, चल इधर, इस लड़की को मम्मी से डांट पड़ती है तो मेरे पास। इसका मतलब ये होता है कि इसको जो है मम्मी से डांट पड़ती है तो ये आती है मेरे पास आइसक्रीम खाने के लिए, वो भी कितने का, तो 40 वाला, इससे कम का नहीं खाएगी। मेरे पास नहीं है इतने पैसे, नहीं है, जाओ ले आओ 30-30 का, एक मेरे लिए एक अपने लिए, चुपके से लाना, बाबू ना देखे। हाँ, और कहाँ रखेंगे? लाओ पैसे दे रहे हैं, पर्स लाओ।